पुणे से सटे पिंपरी चिंचोड़ शहर के फुगेवाड़ी इलाके में आज सुबह अचानक एक दो मंजिला जर्जर इमारत की छत गिर पड़ी। दुर्घटना के बाद मलबे में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ फंस गई। हालांकि कुछ देर के प्रयास के बाद एक छोटी बेटी और मां बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस दौरान एक 15 वर्षीय लड़की मलबे में फंसी थी। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। मौके पर दमकल की तीन टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी। छत का बचा हुआ हिस्सा लगातार गिर रहा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधा निर्माण हो रही थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद मलबे में फंसी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्णिमा संभाजी मांड के ऐसा लड़की का नाम है, जिसे कुछ गंभीर चोटें आई हुई हैं। बाहर निकलने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह करीब 9 बजे पूर्णिमा अपनी माँ और छोटी बहन के साथ घर में थी। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और सुबह होते ही काम पर चले गए। इसी दौरान एक तेज धमाके के बाद पहले मंजिल की छत गिर पड़ी और तीनों बिल्डिंग में फंस गए और बहन किसी तरह से बाहर निकल गए थे। घंटों की मशक्कत के बाद पूर्णिमा को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर आते ही दमकल कर्मियों और पूर्णिमा का लोगों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। उठो लांगो करेल पाठोल आणि आवाज आला जरा खाली, ताशल मग लाशले आवाज येतोय खाली, तुम्ही मम्मी मग पडले खाली, ते जोरात मी टेबलला धरलं आणि मी वाचले तर भीमाने सोडवलं मला, भीमा भीमा आवाज दिला त्याला, मग ती गेली खाली, मम्मी मम्मी करतच गेली, मावशी मावशी ओरडले, मग मला बाहेर काढलं दुकानवाल्याने इथल्या, ओढून काढलं बाहेर आणि बारकीला पण घेतलं बाहेर। मग हमारे यहाँ 9:15 बजे के टाइमिंग पे कॉल आया, 9:35 या 40 को हमारे सब तीन गाड़ियाँ फायर वल्लभ नगर फायर स्टेशन राटनी का और बूसरी का, ऐसे तीन गाड़ियाँ यहाँ हाजिर हुआ। हमारे कम से कम 40-25 जवान यहाँ है। यहाँ आने के बाद एक लड़की अंदर फंसी हुई है, हमने देखा है। उसके बाद जब हम काम चालू कर रहे थे तब काम करते समय एक दीवार गिर गई, इसलिए हमने रस्सी से बाकी के लकड़ियाँ और रस्सी बांध कर ऊपर का जो छत था उसको सपोर्ट दिया और काम करने दो घंटे के बाद हमें यश मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 आर्स न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।